वेलकम स्टूडेंट्स, एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम एग्जांपल्स करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज लेट ई वी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एंड अल्फा वी अलजेब्रिक ओवर एफ, देन अल्फा इज ए सेपरेबल ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ F alpha is a separable extension of F. Okay, अगर alpha separable over F है तो implied and implied by F of alpha एक separable extension होगी F की. So both way true है ये result. So अगर हम मान लेते हैं कि since F alpha is a separable extension of F, तो डेफिनेटली इसका जो एवरी एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, सेपरेबल होगा. तो दैट इंप्लाइज अल्फा इज सेपरेबल एलिमेंट ऑफ एफ. ओके, सो ये एक पार्ट तो बिल्कुल ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेपरेबल एक्सटेंशन. नाउ द सेकंड पार्ट इज सिंस अल्फा इज सेपरेबल ओवर एफ एंड वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ अल्फा इज सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ. तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हर एलिमेंट F अल्फा का एक सेपरेबल एलिमेंट होगा. तो हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट बीटा ले लिया. लेट बीटा वी बिलोंग्स टू F ऑफ अल्फा, वी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड वी विल शो दैट बीटा इज ए सेपरेबल ओवर F. तो लेट्स सी हाउ इट इज डू. सो ऑब्वियस है F जो होगा वो सबसेट होगा F बीटा का एंड F बीटा जो होगा वो सबसेट ऑफ F अल्फा होगा. तो यहाँ पे हमने एक L ले लिया. लेट L बी एन अल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड एंड लेट एन सिग्मा F टू L वी एंड इम्बेडिंग. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेमा यूज करेंगे. ठीक, और ये लेमा हमने पहले पढ़ रखा है. देखिए ये लेमा ये बोलता है कि कोई फील्ड F है और वहाँ पे एक मैपिंग है सिग्मा एफ टू एल और ये एक एम्बेडिंग है एफ इनटू अलजेब्रिक क्लोज्ड एफ और ई जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन है. देन सिग्मा कैन बी एक्सटेंडेड टू एम्बेडिंग नीटा ई टू एल एंड नंबर ऑफ सच एक्सटेंशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ अल्फा. तो ये हमने लेमा पहले पढ़ रखा है, हम इसको यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पे हमने एक मैपिंग ले ली. ठीक, और हमने यहाँ पे बीटा का मिनिमल पॉलीनोमियल ले लिया. पी वन ऑफ एक्स इज मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ बीटा ओवर एफ एंड दैट हैज एम डिस्टिंक्ट रूट्स और इस मिनिमल पॉलीनोमियल के पास एम डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. अगर इसके पास एम डिस्टिंक्ट रूट हैं तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो मिनिमल पॉलीनोमियल है इसका डिग्री भी एम है तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी. तो बीटा जो है फिर वो सेपरेबल एलिमेंट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सेपरेबल एलिमेंट बीटा तभी बनेगा जब उसका मिनिमल पॉलीनोमियल के पास सिंपल रूट्स होंगे. तो यहाँ पे इसके पास रूट्स तो एम है, डिस्टिंक्ट एम रूट्स हैं, बट ये भी हो सकता है कि रूट्स हो सकते हैं एम से ज्यादा हो, रिपीट कर रहे हो, लेकिन उसमें से जो डिस्टिंक्ट है वो एम ही. अगर हम ये प्रूव कर दें कि नहीं इसके पास ओनली एम ही रूट्स हैं और इसकी डिग्री भी एम है, देन ऑब्वियस बीटा विल बी सेपरेबल एलिमेंट. ठीक, सो वी हैव टू प्रूव डिग्री ऑफ पी वन ऑफ एक्स इज एम. तो ये लेमा यूज करेंगे हम कि अगर मिनिमल पॉलीनोमियल के पास इस बीटा के मिनिमल पॉलीनोमियल के पास एम डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ऑब्वियस है इस मैपिंग की कितनी एक्सटेंशंस पॉसिबल है, एम एक्सटेंशन पॉसिबल है. सो व्हाई यू अबव लेमा देयर एग्जिस्ट एम डिस्टिंक्ट एक्सटेंशन से सिग्मा वन सिग्मा टू सो एंड सो सिग्मा एम ऑफ सिग्मा टू एफ बीटा. तो उसका जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगा, डोमेन इज चेंज टू बीटा
एंड सो देयर विल बी एम डिस्टिंक्ट एक्सटेंशंस सिग्मा वन सिग्मा टू सो एंड सो सिग्मा एम बी ऑफ सिग्मा टू एफ बी. तो डोमेन जो हो जाएगा वो इसका एफ बी हो जाएगा. ठीक, तो पहले डोमेन इसका एफ था, अब एफ बीटा हो गया, सो ऑब्वियस एक्सटेंशन हो गई. Now, further, let P2 of x be minimal polynomial of alpha over f beta. पहले जो हमने P1 of x लिया था minimal polynomial, minimal polynomial, वो over, ये तो minimal polynomial हमने beta का लिया था और beta का over f लिया था. ठीक, over f था beta का. अब हमने alpha का minimal polynomial लिया और over एफ बीटा लिया. एंड सपोज पी टू हैज एन डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके पास. सो सेम लेमा हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे कितने एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेंगी, जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सटेंशन है, कितने एक्सटेंशन है, एम एक्सटेंशन है. इसका मतलब हर एक्सटेंशन का आगे फिर एक्सटेंशन होगा. तो मीन टू से दैट कि जैसे हमारे पास सिग्मा वन होगा, सिग्मा वन होगा, तो सिग्मा वन का हमारे पास एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो ओवर एफ बीटा हो रहा है, तो एफ बीटा के लिए हमारे पास एक्सटेंशन है सिग्मा वन सिग्मा टू. तो सिग्मा टू ऐसे करते सिग्मा एम तक हमारे पास है. लेकिन हम एक की बात करें तो सिग्मा वन के लिए होल्ड कर जाएगी सिग्मा वन वन सिग्मा वन टू, उसी तरह से सिग्मा वन एन तक, उसी तरह से सिग्मा टू के लिए सिग्मा टू वन सिग्मा टू टू सो एंड सो सिग्मा एन तक, इसी तरह से एक्सटेंशन हमारे पास टोटल एग्जिस्ट करेंगी. सो फॉर ईच सिग्मा आई देयर आर एग्जैक्टली एन एक्सटेंशन. सो डेफिनेटली हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको. सो सिग्मा आई जे इज लाइज बिटवीन वन टू एन टू एफ अल्फा. अब इसका डोमेन एफ अल्फा हो जाएगा. सो अब ऑब्वियस है डोमेन बढ़ रहा है. देखो एक्सटेंशन क्यों हो रही है, बिकॉज देखो पहले डोमेन मैपिंग का एफ था, फिर एफ बीटा हुआ, फिर एफ अल्फा हो गया. तो इट मीन दैट वो आपका डोमेन इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सटेंशन हो रही है ये. ठीक, so it is clear that the set of m into n embedding alpha ij are only possible embedding from f alpha to l that extend sigma f to l. to iski extensions ye hogi aur total extension kitni hui m into n. now let p3 be the minimal polynomial of alpha over f. अब हमने अल्फा का मिनिमल पॉलिनोमियल लिया ओवर एफ, और पी टू क्या था, पी टू आपका मिनिमल पॉलिनोमियल अल्फा का था ओवर एफ ऑफ बीटा. सो डायमेंशन ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ इक्वल टू डिग्री ऑफ पी थ्री. डिग्री ऑफ पी थ्री का से क्या प्रिडिक्ट होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ पी थ्री. क्यों, क्योंकि अल्फा जो है हमारा वो क्या है, सेपरेबल है, सेपरेबल है एलिमेंट होगा एफ. इट मीन दैट इसके डिस्टिंक्ट जितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उतनी इसकी डिग्री होगी, और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ एम्बेडिंग जो होगी सिग्मा टू एफ अल्फा वो भी डिग्री के बराबर ही होगा. मोर ओवर अल्फा इज सेपरेबल ऑफ एफ, देयर इंप्लाइज एफ अल्फा इज सेपरेबल ओवर एफ ऑफ बीटा. अगर ये सेपरेबल ओवर एफ है तो डेफिनेटली एफ ऑफ ये सेपरेबल ओवर एफ बीटा भी होगा. सो हेंस द डायमेंशन ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ बीटा विल बी डिग्री ऑफ पी टू, पी टू ऑफ एक्स, क्योंकि पी टू जो हमने पॉलिनोमियल लिया था वो किसका था, ओवर एफ बीटा था. सो डेफिनेटली इट विल बी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ पी टू ऑफ एक्स. ठीक, बट यहाँ पे ये पता नहीं हमें कि यहाँ पे ये जो है वो सेपरेबल एलिमेंट है कि नहीं है. सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये रिजल्ट लगा सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ईच
सिग्मा आई टू एफ बी एफ अल्फा, और इसका जो डिस्टिंक्ट रूट से तो वो कितने थे, एन थे। नाउ अगेन डायमेंशन ऑफ एफ बीटा ओवर एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी वन ऑफ एक्स, ठीक। तो पी वन ऑफ एक्स जो था ओवर एफ था पॉलिनोमियल। सो नाउ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ पी वन ऑफ एक्स या दैट इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा टू एफ बीटा, वो एम है हमारे पास। नाउ अगर हम इस रिजल्ट को देखें तो ये क्या है, नंबर ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ एफ, नंबर ऑफ एक्सटेंशंस कितनी आई थी एफ अल्फा के ऊपर, एम एन आई थी। तो हम बेस को ऐसे सकते हैं कि एम एन टू एन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ, और इसको हम इस रिजल्ट में लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ एफ बीटा ओवर एफ। सो इसका वैल्यू हमारे पास एन है और एफ ऑफ बीटा ओवर एफ इज नथिंग बट इट इज डिग्री ऑफ पी वन ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम प्रडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एन एन कैंसिल हो जाएगा, यू कैन से सो डिग्री ऑफ पी वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एंड दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ पी वन ऑफ एक्स। सो इट मीन दैट पी वन ऑफ एक्स का जितने रूट्स हैं उतनी डिग्री हो गई, तो ये सेपरेबल पॉलिनोमियल हो गया। ये सेपरेबल पॉलिनोमियल हो गया तो ऑब्वियस है बीटा जो होगा वो सेपरेबल ओवर एफ होगा। दैट्स ऑल प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल, इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यू कैन गो थ्रू दिस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी। सो नाउ द वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ इज सबसेट ऑफ ई एंड ई इज सबसेट ऑफ के वी आर थ्री फील्ड सच दैट ई इज ए फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ। ई जो है वो एफ का फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है एंड के इज फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ ई एंड वी हैव टू प्रूव के इज फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो हमें के को प्रूव करना पड़ेगा कि ये फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन होगा एफ का। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम ये थ्योरम यूज करेंगे जो हमने प्रूव करा था लास्ट वीडियो में, एंड दैट थ्योरम इज इफ ई इज ए फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ देन ई इज ए सिंपल एक्सटेंशन। सिंपल एक्सटेंशन मीन्स ई इज एफ ऑफ अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू ई। सो बाई यूजिंग दिस थ्योरम ई जो है वो एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन है तो डेफिनेटली ई विल बी लाइक दिस बिहेवियर अल्फा बिलोंग्स टू ई एंड के जो है वो ई का फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है तो के कैन बी रिटन लाइक दिस ई ऑफ बीटा एंड बीटा बिलोंग्स टू के। सो लेट हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट गामा बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा इज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फा, ठीक। तो दोनों में से एक लेना, यहाँ बीटा भी ले सकते हैं कि गामा इज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि बीटा जो है वो के अंदर है तो डेफिनेटली हम ये मान रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो गामा है वो एफ ऑफ अल्फा के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक। सो नाउ हम एक डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम से हम ये कह सकते हैं एफ की एक्सटेंशन एक ये हो गई और एफ की एक्सटेंशन एक गामा। तो दो तरह से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तरीका ये होगा और एक तरीका ये होगा। तो हम इस तरीके से करके देखते हैं और दूसरा हम इससे प्रोडिक्ट कर देंगे, ठीक। एफ की एक्सटेंशन अल्फा और एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ अल्फा की एक्सटेंशन एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा। तो सच दैट एफ अल्फा इज ए फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ, डेफिनेटली एक एलिमेंट है तो फाइनाइट तो होगी है एंड गामा भी ए सेपरेबल एलिमेंट ओवर एफ अल्फा, ठीक। तो गामा भी ए सेपरेबल एलिमेंट ओवर एफ अल्फा, ठीक, क्योंकि गामा जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है,
ठीक, सो डेफिनेटली ये इसको होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी एल्जेब्राइक ओवर एफ ऑफ अल्फा. सो वी हैव टू प्रूव गामा इज ए सेपरेबल ओवर एफ. ठीक, तो ये गामा जो है वो इसके ऊपर सेपरेबल है, लेकिन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सेपरेबल ओवर एफ है. तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट पी वन ऑफ एक्स ए मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ विद डिग्री एम. ठीक, और पी टू मान लिया मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ गामा ओवर एफ अल्फा विद डिग्री एन. ठीक, ये आपका अल्फा का मिनिमल पॉलिनोमियल है पी वन ऑफ एक्स ओवर एफ, और पी टू जो है वो गामा का मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर एफ अल्फा और डिग्री इनकी दिए हुई अलग अलग, और पी थ्री मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ गामा ओवर एफ विद डिग्री एस, एंड पी फोर द मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर ऑफ अल्फा ओवर एफ गामा विद डिग्री टी. ये दो तरीके से, कि अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो हमें ये जरूरत पड़ेगी, और अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो एफ ऑफ गामा की जरूरत पड़ेगी. ठीक, तो हमने इनको मिनिमल पॉलिनोमियल सपोज कर लिए. नाउ लेट सिग्मा इज मैपिंग फ्रॉम एफ टू एल, एंड वी एम्बेडिंग ऑफ एफ इनटू एन एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड एफ एल, एंड सो बिकॉज अल्फा इज ए सेपरेबल ओवर एफ देयर एग्जैक्टली एम एक्सटेंशन अल्फा आई टू एफ अल्फा. सो डेफिनेटली हम वो लेमा यूज करेंगे जो पिछले एग्जाम्पल में यूज करा. ठीक, अल्फा सेपरेबल है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्सटेंट और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है ओवर एफ जो है वो एम है. ठीक है, अगर इसकी डिग्री एम है सो डेफिनेटली वहाँ पे डिग्री एम है तो एम एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेंगी. ठीक, सो अल्फा वन अल्फा टू सो सो अल्फा एम हमने इसकी एक्सटेंशन ले ली, एंड इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इनका डोमेन हो जाएगा एफ अल्फा टू एल, लाइक दिस, इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे ये. एंड आल्सो गामा इज ए सेपरेबल ओवर एफ अल्फा, और इसका जो गामा का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री एन है, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ईच अल्फा आई टू दिस वन एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा. सो इट मीन दैट इसकी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, सो दैट एक्सटेंशन अल्फा हर अल्फा आई की, तो अल्फा आई जैसे वन वन अल्फा वन टू अल्फा वन थ्री इस तरह से, फिर अल्फा टू वन टू इस तरह से, तो टोटल इस तरह से हमार एग्जिस्ट करेंगी, एंड टोटल ये कितनी एक्सटेंशन हो जाएंगी एम इन टू एन, और इन सभी का जो डोमेन होगा वो एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा होगा. ठीक, सो वाई कंटिन्यूइंग कंसिडरिंग द एक्सटेंशन ऑफ एफ सिग्मा एफ टू एल टू एफ अल्फा कॉमा गामा वाई एफ ऑफ गामा. जैसे हमने रिजल्ट स्टार्ट करा, जैसे हमने रिजल्ट सबसे पहले एफ टू एफ अल्फा गए और एफ अल्फा टू एफ ऑफ अल्फा कोमा गामा गए, और अब उल्टा करते हैं कि एफ से हम एफ गामा के ऊपर जाएं और एफ गामा टू एफ ऑफ अल्फा कोमा गामा के ऊपर हम इसको करें, तो ऑब्वियस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ इसकी बात करेंगे. ठीक, तो फिर एस टू इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे कितनी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेंगी, एस इन टू टी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेंगी टू एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा के लिए. ठीक, तो इसी तरह से किसी भी तरीके से जाए तो दोनों तरीकों से एक्सटेंशन तो सेम ही आनी चाहिए, तो हेंस एम इन टू एन जो आएगा वो एस इन टू टी के बराबर है. ठीक, अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट सपोज कि गामा इज नॉट ए सेपरेबल ओवर एफ, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा टू एफ गामा जो होगी वो एस से कम आएंगी. क्यों, क्योंकि ये गामा का जो
पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हमने एस माना हुआ है, तो ऑब्वियस है अगर ये सेपरेबल नहीं है तो एक्सटेंशन इसकी जो रूट्स है डिस्टिंक्ट रूट्स है वो फिर एस नहीं आएंगे, एस से कम आएंगे तो एक्सटेंशन भी डेफिनेटली कम आएंगी, तो लेस देन एस आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा टू एफ अल्फा कॉमा गामा इज लेस देन एस इंटू टी। ठीक, ये लेस इंटू टी आएगा, लेकिन एस इंटू टी एम एन टू एन एन के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो अल्फा ही सेपरेबल नहीं रहेगा, अल्फा और बीटा ही सेपरेबल नहीं रहेगा, अल्फा इज नॉट ए सेपरेबल ओवर। क्यों? क्योंकि अगर ये से कम हो गया इसका मतलब यहाँ पे अल्फा इज नॉट ए सेपरेबल, तो विच इज कंट्राडिक्शन। सो हेंस गामा जो होगा वो डेफिनेटली सेपरेबल ओवर एफ होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज देखो अगर हम यहाँ पे हमने ये सपोज करा है कि अल्फा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेबल होगा, तभी ये आपका फाइनाइट एक्सटेंशन बनी थी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ई अगर एफ का फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है और के जो है वो ई का फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है, तो डेफिनेटली के विल आल्सो इसे फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी इन द वीडियो। थैंक यू।